जय हिंद डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 9.4। वन नंबर क्वेश्चन देखें, द कॉस्ट ऑफ एन एयर कंडीशनर इज रुपीज 19,000। इफ 10% एसटी इज चार्ज्ड एंड द अमाउंट पेएबल बाय द कस्टमर, तो किसी एक एयर कंडीशनर की कीमत है 19,000 रुपया, ठीक है। और इस पर एसटी मतलब सेल टैक्स, 10% काट जाएगी। अच्छा, पहले देखिए टैक्स के बारे में थोड़ा सा बोलते हैं। टैक्स क्या है? एक्चुअली टैक्स जो है ना, ये किसी सामान पर लगता है। आपने मान लीजिए एक रेफ्रिजरेटर या फिर एक टीवी सेट खरीद किया, तो इस पर टैक्स लगती है, सेल टैक्स। एक होते हैं सेल टैक्स, दूसरा होते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। अच्छा, और आजकल नई एक टैक्स है GST, गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स। तो इन सब टैक्स का मतलब ही है कस्टमर को बड़ा चढ़ा के प्राइस देना, ठीक है। आपके टीवी सेट की कीमत क्या है? मान के चलिए 10,000 है टीवी सेट की कीमत। तो अगर सेल टैक्स लगाया जाए या फिर वैल्यू एडेड टैक्स, VAT, वेट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, या फिर GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, किसी भी टैक्स लगाया जाए, तो ये जो अमाउंट है, ये जो प्राइस है प्रोडक्ट के, इस पर एक सर्टेन परसेंटेज होगा। किसी भी टाइप की टैक्स हो, इस पर परसेंटेज लगा हुआ होगा, मतलब कितने परसेंट टैक्स देना होगा। तो इस पर उतने परसेंट टैक्स कैलकुलेट करके इसके साथ ऐड की जाएगी, तो फाइनली कस्टमर को वही टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा इस प्राइस के साथ, और सब मिला के होगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब ये बात आती है भाई, ये जो टैक्स है, हमारे मैथमेटिक्स में इस बात की कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए क्या वो टैक्स सेलर है, यानी कि जो विक्रेता है, इसको मिलेगी या फिर और किसको? टैक्स तो कस्टमर पे करेगा, तो जिसे सामान खरीदा जा रहा है, क्या उसको टैक्स मिलेगी या फिर किसी और को? नहीं, टैक्स हमेशा सरकार को मिलते हैं। किसको? सरकार को। अगर 10% टैक्स इस पर लगाया जाए, तो 10,000 का 10% 1,000 होगा, मतलब इसका कीमत अब 11,000 रुपये हो जाएगा। अगर 10% टैक्स है, तो ये जो 11,000 रुपये है, इनमें 1,000 रुपये क्या है? टैक्स है। तो किसी भी प्रकार के टैक्स हो भाई, ये जो 1,000 रुपये है, सरकार के खजाने पर जाएगा, समझ गए ना? अच्छा, तो यहाँ देखिए, कॉस्ट प्राइस 19,000 है, एसटी सेल टैक्स 8% है। तो ये टैक्स किसके हाथ में जा रही, वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं, हमें ये देखने की ज़रूरत है भाई कस्टमर को अल्टीमेटली कितना रुपया पे करना पड़ेगा। तो ये जो प्राइस है, इसको तो पे करना पड़ेगा, और इस पर 8% GST ST सेल टैक्स देना पड़ेगा, बस। इस पर 8% कैलकुलेट कर लीजिए, बाद में इसके साथ ऐड कर लीजिए, तो वही पैसा किसको देना पड़ेगा? ये जो बेचने वाला है, इसको। तो देखिए, पहले देखिए, 8% ST 1 rupees 19,000, तो इज इक्वल टू 10%, मतलब 8% नहीं, 10% है, 10% है, ठीक है, ST। तो 10% मतलब 10/100 इंटू ₹19,000 इज इक्वल टू ₹, 20 से 20 कट गया। अच्छा, 10 into 190 यह बचा ना, 10 into 190 इज इक्वल टू 1900। तो 1900 रुपया इसके साथ ऐड होके, वो जो टोटल अमाउंट होगा ना, वो अमाउंट कस्टमर को पे करना पड़ेगा। तो देयरफॉर अमाउंट पेएबल बाय द कस्टमर इज 20,900, ठीक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, राजीव बॉट अ फैन फॉर ₹1,836 इंक्लूडिंग 8% वैट, व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द फैन? तो राजीव ने किसी एक फैन खरीद किया जिसका कीमत था 1,833 रुपया, 1,836 रुपीज़, ठीक है। और ये जो 1,836 रुपीज़ हैं, इनमें 8% वैट शामिल है, इंक्लूडेड है, ठीक है। ये फाइनल प्राइस है, ये प्राइस राजीव ने पे कर दिया, ऑलरेडी पे कर दिया, और इसमें 8% वैट शामिल है। तो अब ओरिजिनल प्राइस क्या था, मतलब इसकी ओरिजिनल प्राइस बिफोर एडिंग वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट। तो देखिए, इस टाइप के प्रॉब्लम्स की एक फॉर्मूला था, मैंने एक्सरसाइज 9.2 में डिटेल्स बताया था वो फॉर्मूला,
तो अगर आपने एक्सरसाइज 9.2 नहीं देखी ना तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, 9.2 और 9.3 बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है ना, ये तो सेल प्राइस है, कास्ट फाइनल प्राइस है। तो देखिए, देयरफॉर एक्चुअल प्राइस बिफोर वैट, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, ये जो फॉर्मूला है एक्चुअली, देखिए यहाँ वैट लगा मतलब क्या है, बढ़ा अमाउंट, बढ़ गया। अब जो अमाउंट वैट माइनस होगा ना, तो अमाउंट कौन हो जाएगा इसके, तो इसका फॉर्मूला ऐसा होगा, 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस वैट परसेंट, VAT वैट परसेंट इंटू SP यानी कि फाइनल प्राइस। तो यहाँ देखिए, टैक्स वाला किसी भी केस में, किसी भी प्रॉब्लम के लिए देखिए वो फॉर्मूला अप्लाई करना, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम्स मिले, और यहाँ वैट की जगह ST मिले या फिर GST मिले, कुछ भी मिले लेकिन टैक्स होनी चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। और अगर यहाँ प्रीमियम मिले, कभी कभी प्रीमियम भी मिल सकते, तो इस वाला केस में भी सेम फॉर्मूला यूज होगा। तो देखिए, इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस बेट कितने परसेंट, 8% है, 100 प्लस 8 इंटू रुपीज, सेल प्राइस कितने, 1836। तो इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 8, 108 इंटू रुपीज 1836 इज इक्वल टू रुपीज, फाइनल रुपीज यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ लिखना, 100 से इसको इंटू करना, फिर 108 से डिवाइड करना। तो पहले छोटा छोटा करके कैंसिल करके ये कर सकते हैं, मैंने कैलकुलेटर भी कर लिया, तो 1700 आ रही है। तो मतलब ये जो फैन था, इसका ओरिजिनल प्राइस था 1700 रुपये। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, डी कॉस्ट प्राइस जो मैंने आर्टिकल इज ₹500, द शॉपकीपर सेल्स इट एट ए गेन ऑफ 12.5%, ST ऑफ 15% इज चार्ज्ड, फाइंड द अमाउंट पेएबल बाय द कस्टमर। तो किसी एक आर्टिकल है, सामान है, इसका कॉस्ट प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस था 500 रुपया, ये प्राइस सेलर के लिए कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब देखिए, द शॉपकीपर सेल्स इट एट ए गेन फॉर 12.5%, ये जो प्राइस है 500 रुपया, ये शॉपकीपर के पास कॉस्ट प्राइस है, तो जो बेचेगा, सेल करेगा, इसके पास कॉस्ट प्राइस है, और जो बाई करेगा, खरीद करेगा, इसके लिए वो कॉस्ट प्राइस होगा, और सेलर के लिए सेल प्राइस होगा, यानी कि SP सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 500 रुपया है सामान कॉस्ट प्राइस का, इस पर 12% गेन करना है, मतलब प्रॉफिट कमाना है, और साथ साथ 15% ST लगाना, सेल टैक्स लगाना है, तो फाइनल कस्टमर को कितना रुपया पे करना पड़ेगा, इस 500 की 12% ऐड कर देना, फिर जो आएगा इस पर फिर 15% ऐड करना। ठीक है, तो देखिए, डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला ये है कि सेल प्राइस SP इज इक्वल टू, देखिए SP का शॉर्टकट जो फॉर्मूला है ये है, 100 प्लस P% प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP, तो इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 12.5 यानी कि 12.5 है, 12.5 है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू रुपीज, CP कितने हैं, 500, तो इज इक्वल टू 100 प्लस 112.5 है, 12.5, तो 100 ऐड करना, 112.5 होगा डिवाइडेड बाय 100 इंटू रुपीज 500, तो इज इक्वल टू रुपीज, क्योंकि 20 से यहाँ का 20 काट देना, अब 5 से इसको इंटर करना 112.5 को, तो 562.5 आएगा। ठीक है, अच्छा यह है सेल प्राइस, फिर भाई इस पर 15% टैक्स लगाना, तो ये वाला फॉर्मूला सेम काम करना, टैक्स लगाने से तो अमाउंट बढ़ेगा, गेन करने से ओरिजिनल कॉस्ट से बढ़ेगा, मतलब सेल प्राइस बढ़ जाएगा, फिर सेल प्राइस पर 15% क्या हो रही है, टैक्स आ रही, तो ये जो अमाउंट आया ना, इस पर 15% फिर कैलकुलेट करना, 15% कैलकुलेट करके इसके साथ ऐड करना, तो ये वाला फॉर्मूला जो है ना
बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है, एक ही स्टेप में हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे ही लिखना, देयरफॉर अमाउंट पेएबल बाय द कस्टमर इज इक्वल टू 100 प्लस टैक्स परसेंट एसटी परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एसपी। ये तो सेल प्राइस है, तो इज इक्वल टू 100 प्लस एसटी कितने है 15% है, 15 डिवाइडेड बाय 100 इनटू रुपीस 562.5 इज इक्वल टू 100 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 100 इनटू रुपीस 562.5 इज इक्वल टू रुपीस 115 से इसको इंटू करना, फिर 100 से डिवाइड देना, तो 646.875 आएगा। और इसको राउंड फिगर करके लिखिए, 646.8 के बाद 7 आ रही है, तो ये 4 से बड़ा है, तो 88 लिखिए, ये अप्रूक्स है, अप्रूक्स अमाउंट। ठीक है, तो फाइनल ये अमाउंट कस्टमर को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट फोर नंबर क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज रुपीज 14,900, 12% एसटी इज चार्जेबल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एसटी। तो एक रेफ्रिजरेटर की कीमत है, कॉस्ट है 14,900 रुपया, इस पर 12% एसटी लगना है, सेल टैक्स लगना है, तो सेल टैक्स का अमाउंट क्या होगा, तो इस पर 12% निकाल लेना। ठीक है, ऐसे ही लिखना, अमाउंट ऑफ एसटी इज 12/100 इंटू रुपीज 14,900 इज इक्वल टू 20 से 20 काट लेना, तो 12 × 149 इज इक्वल टू रुपीज 1788 रुपीज सिर्फ टैक्स होगा। नेक्स्ट फाइव नंबर देखिए, ए टीवी सेट कॉस्ट रुपीज 15,660 इंक्लूडिंग वैट ऑफ 8% बाय द प्राइस बिफोर इंक्लूडिंग वैट। तो एक टीवी सेट की कीमत 15,660 रुपये है, जिसमें 8% वैल्यू एडेड टैक्स है, वैट है। अब देखिए, टैक्स ऐड करने के पहले इसका प्राइस क्या था, तो प्राइस बिफोर इंक्लूडिंग वैट, वो जो फॉर्मूला है ना, 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस वैट परसेंट इनटू प्राइस, यह प्राइस कॉस्ट प्राइस भी हो सकती है और सेल प्राइस भी हो सकती है, लेकिन वो प्राइस जो होगा ना वो इंक्लूडिंग वैट होगा सिर्फ। तो देखिए, इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 8 इंटू रुपीज, प्राइस कितने हैं 15,660, तो इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 8 108 इंटू रुपीज 15,660 है, तो इज इक्वल टू रुपीज 14,500। 100 से इसको इंटू करना, फिर 108 से डिवाइड देना। अच्छा, अब डायरेक्ट 108 से इसको डिवाइड देते हैं, मतलब काट जाएगा। ठीक है, तो 14,500 रुपया था वैल्यू एडेड टैक्स इंक्लूड करने के पहले इस टीवी सेट की कीमत। वीडियो अगर पसंद है तो एक लाइक करना, और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।